हेलो बच्चों, मैं करण आप सभी का केएमसी यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। बच्चों आज हम आपके साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आइए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले लिखा गया है बच्चों, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी जो है बच्चों वो एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, जो ट्राइंगल आइसोसेलस होता है उसकी दो साइड इक्वल होती है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा गया है आगे, इन विच ऑल्टीट्यूड्स, आपने ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या किया है, ऑल्टीट्यूड्स का एक ऑल्टीट्यूड बनाई है बीई और एक ऑल्टीट्यूड बनाई है सीएफ। आर ड्रोन का मतलब आपने बनाई है, किस पे बनाई है, इक्वल साइड्स पे बनाई है। इक्वल साइड्स का मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल का ही रेफरेंस दी गई है यहाँ पर, और इक्वल साइड्स है कौन कौन सी ये आपको बता दिया गया है, एक है इक्वल साइड एसी और एक है इक्वल साइड एबी। तो मैं इस पे सिंगल लाइन लगा रहा हूँ, ये पूरी कंप्लीट एबी जो है वो पूरी कंप्लीट एसी के इक्वल है। आपने एबी लाइन के ऊपर, या आपके पास एबी लाइन सेगमेंट है, आपने एबी लाइन के ऊपर ये सीएफ वाली एल्टीट्यूड ड्रॉ करी, और आपने एसी लाइन सेगमेंट के ऊपर प्यारे बच्चों ये बीई वाली ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करी। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाना, एंगल एफ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ एंगल ई पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करे हैं। फिर आपको बच्चों इसके अंदर शो करना है कि ऑल्टीट्यूड इक्वल है, आपको बच्चों शो करना है कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, तो गिवन आपको सबसे पहले दिया गया है प्यारे बच्चों कि ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलस है। अगर प्यारे बच्चों ट्रायंगल आइसोसेलस है तो इसके अंदर इक्वल साइड्स दी गई है, साइड ए बी जो है बच्चों वो इक्वल है साइड ए सी के। फिर बच्चों इसके अंदर आपको सेकेंड गिवन दिया गया है 90 डिग्री की कंडीशन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एंगल एफ जो है वो इक्वल है एंगल ई के, और ये दोनों ही है 90 डिग्री के। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूफ, आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, और टू प्रूफ करना आपने जो ऑल्टीट्यूड बनाई है वो इक्वल है, तो आपने ऑल्टीट्यूड एक बीई ड्रॉ करा है और आपने एक ऑल्टीट्यूड सी एफ ड्रॉ करा है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ पी आर डबल ओ एफ, यानी कि अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। और कह रहे बच्चों प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत है ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बच्चों आप देखिए क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपने साइड बीई पे कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए साइड बीई ये वाली है हमारे पास, कह रहे बच्चों आप सीधा फिगर पे ध्यान लगाएंगे, ये साइड बीई है हमारे पास, ग्रीन मार्कर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कह रहे बच्चों साइड बीई है, और आप मुझे ये बताइए बीई के आसपास साइड ए बी और साइड ए सी में से कौन सी है। तो आप कहेंगे सर देखो जैसे आप पॉइंट बी से पॉइंट ई पे गए, वैसे सर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चले जाओ। हम पॉइंट बी से प्यारे बच्चों पॉइंट ए पे जा रहे हैं, तो हम जब पॉइंट ए तक जाएंगे बच्चों तो कमी किस चीज की है, अगर हम इस ए ई को ज्वाइन कर दें प्यारे बच्चों, अगर हम इस ए ई को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, और ट्रायंगल का नाम आ गया ए बी ई। तो हम यहाँ पे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड। दूसरा ट्रायंगल देखिए बच्चों, जैसे हम सी पॉइंट से पहले एफ पे जाएंगे, हम पहले बच्चों पॉइंट सी से पॉइंट एफ पे जाएंगे, अगर हम पॉइंट सी से पहले बच्चों पॉइंट एफ पे जाएंगे तो उसके बाद आप पॉइंट सी से पॉइंट ए पे चले जाइए। जब आप पॉइंट सी से पहले बच्चों पॉइंट ए पे जाएंगे तो आपका एक ट्रायंगल कंप्लीट होगा, ट्रायंगल ए सी एफ। तो आप यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए सी एफ। देखिए बच्चों मैं आपको इसकी एक और फिगर अलग से बना के दिखाता हूँ। हमने एक ये ट्रायंगल लिया जो ट्रायंगल इस तरह से गया, इस ट्रायंगल का नाम ले लिया हमने ये ए, ये बी और ये ई। फिर बच्चों देखिए हमने क्या करा, इस पॉइंट ई से पॉइंट सी पे आगे और पॉइंट सी से ऐसे ऊपर चले गए पॉइंट एफ पे, तो हमारे ये दो ट्रायंगल आ गए, एक ट्रायंगल आया ये ए बी ई और एक ट्रायंगल आया ये ए सी एफ, यहाँ पे है पॉइंट सी। तो हमने ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करे, इसके अंदर आप बच्चों देख सकते हैं जो ये एंगल ए है, ये जो कंप्लीट एंगल ए है बच्चों, ये दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए जो है प्यारे बच्चों दोनों में है कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन सी ओ डबल एम ओ एन, एंगल ए जो है वो दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। इसके बाद बच्चों आपको दिया गया था कि साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड ए बी जो है प्यारे बच्चों वो इक्वल है साइड ए सी के। हमने ये स्टेटमेंट लिखी है प्यारे बच्चों गिवन का यूज करके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। इसके बाद बच्चों आप देखिए आपको सेकंड गिवन था एंगल एफ जो है वो एंगल ई के बराबर है और वो दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एंगल एफ आपका ये रहा यहाँ पे और एंगल ई आपका ये रहा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों एंगल ए बी ई के अंदर एंगल ई आ रहा है और एंगल ए सी एफ के अंदर एंगल एफ आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईच 90 डिग्री, हम यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों ईच 90 डिग्री। आपके ट्रायंगल प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं,
तो आप यहाँ पे आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ के, और ये हुआ है प्यारे बच्चों बाय। हम यहाँ लिखेंगे बाय, हमने एक एंगल का यूज करा, हमने एक साइड का यूज करा और हमने फिर एक एंगल का यूज करा। तो दो एंगल और एक साइड की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एंगल एंगल साइड प्यारे बच्चों, और एक होती है एंगल साइड एंगल। हमने इन दोनों में से कौन सी यूज करी उसके लिए आपको फिगर में जाना पड़ेगा। तो आपने पहले ही एंगल ए यूज किया, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपने पूरी एसी साइड यूज करी, और आपने फिर एसी साइड यूज करने के बाद ये एंगल एफ का 90 डिग्री का यूज करा। यानी कि प्यारे बच्चों आप पहले एंगल पे गए, फिर साइड पे गए, फिर एंगल पे गए, तो आपने यहाँ पे यूज करा एंगल साइड एंगल। और इसके बाद बच्चों आप जानते हैं जो ट्रायंगल एबीई है इसके अंदर आ रही है साइड बीई, और जो एसीएफ है इसके अंदर साइड आ रही है सीएफ। ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसका रीजन लिख देंगे बाय सीपीसीटी। तो बच्चों सीपीसीटी से हमने ऑल्टीट्यूड बीई और ऑल्टीट्यूड सीएफ को इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे।